की बेबो करीना कपूर खान सेकेंड डिलीवरी के बाद रिच कैंडी हॉस्पिटल को छोड़ वापस अपने नए घर पर लौट चुकी हैं। बीते देखा जाए तो ट्यूसडे को करीना अपने बेटे को लेकर छोटे बेटे को लेकर तैमूर और सैफ के साथ वापस लौटी। ये बात तो सब जानते हैं। करीना कपूर खान के सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी के लिए उनके बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए करीना के घर के बाहर पुलिस भी तैनात की गई। करीना के घर के बाहर नए घर के बाहर पुलिस खड़ी नजर आई। ये सिलसिला बीते महीने से जारी है। पुलिस डिप्लॉयड आउटसाइड सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान्स हाउस। दिस रिपोर्ट वॉज गिवन अ मंथ अगो एंड लेट्स नो द डिटेल। करीना कपूर खान के घर के बाहर पुलिस सुरक्षा के लिए खड़ी थी जब विवाद सैफ अली खान की फिल्म को लेकर हुआ था और ये फिर जारी है। पुलिस फिर से खड़ी है करीना और सैफ के नए घर के बाहर। बीजेपी एमएलए राम कदम ने जो कंप्लेंट सैफ अली खान के खिलाफ लगे थे उनकी फिल्म की वजह से तांडव की वजह से के कारण करीना के घर के बाहर पुलिस को तैनात रहना ही पड़ा। अब करीना के जब दूसरे बच्चे का जन्म हुआ है तो करीना कपूर खान के घर के बाहर पुलिस को दोबारा से देखा गया है फुल सिक्योरिटी के साथ, टाइट सिक्योरिटी के साथ, ताकि कोई भी करीना के नए घर के अंदर आने की ज़रूरत ना करे, क्योंकि वहाँ उनका दूसरा नन्हा मेहमान है जो जन्म के बाद से ही काफ़ी ड्रॉट हो रहा है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि सैफ ने पैटर्निटी लीव लेकर पूरा समय करीना को देना चाहा। करीना बालकनी में नजर आई, आराम करते नजर आई। करीना फिलहाल घर से बाहर नहीं निकलेगी। सी सेक्शन में होने वाली डिलीवरी के कारण करीना लगभग एक महीने तक अपने उसी घर के अंदर सिर्फ अपने बेटे को पैम्पर करने वाली है और इस मदरहुड को एंजॉय करने वाली है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।